नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। न केवल ये अनंत हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और इसके पीछे भागते भागते ही व्यक्ति कई बार अपने संतोष रूपी धन को खो देता है, जिसके लिए कहा गया है कि संतोष धन सबसे अमूल्य है। जीवन में खुशी, संतुष्टता, यही तो सबसे बड़ी प्राप्ति और उपलब्धि है। इसी पर बेस्ड है आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। खुश रहने के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद। जिसके पास संतुष्टता है, वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता ही खुशी का आधार है। परमात्मा शिव ने भी कहा है, संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। मित्रों, जो है उसमें संतुष्ट रहते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसा भी नहीं है कि जीवन का एक सर्वोच्च ध्येय ना हो, प्राप्ति के लिए हम कोई पुरुषार्थ ना करें। करें अवश्य, ध्येय की ओर भी जरूर बढ़ें, लेकिन संतोष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ। तो जो प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसका उत्साह, उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी। मित्रों, संतोष की बात चल रही है तो एक असंतुष्टता तब भी जब हमारा तन अस्वस्थ है। यदि शरीर में एसिडिटी हो गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई, कितनी तकलीफ होती है। खाना तो हमें है, लेकिन ये भोजन यदि गैस और एसिडिटी का रूप ले ले तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ आपको ना हो, और यदि हो गई है तो कैसे इससे निजात पाएं, इसके लिए ही आज आपकी सेहत आपके हाथ में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जीवन में स्पाइसी फूड्स, ऑयली फूड्स, फास्ट फूड्स खाने के कारण एसिडिटी, हार्टबर्न जैसी बीमारियां होती है, जिसके कारण एसिड की मात्रा भोजन के पचते वक्त इसोफेगस में, अन्ननलिका में आ जाती है। इसी को GERD कहते हैं, अर्थात गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसी को ठीक करने के लिए हम कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। अदरक के रस को नींबू रस और शहद में मिलाकर गर्म पानी के साथ लेने से एसिडिटी की तकलीफ दूर होती है। नींबू का रस गुड़ के साथ लेने से एसिडिटी क्योर होती है, हार्टबर्न की बीमारी दूर होती है। पुदीना वाली छाछ भोजन के एक घंटा पूर्व या एक घंटा बाद लेने से पेट में ठंडक पहुंचती है, हार्टबर्न कम होता है। गाय का ठंडा दूध मिश्री के साथ लेने से पेट में ठंडक पहुंचती है, एसिडिटी दूर रहती है। गाय का घी भोजन के साथ लेने से एसिडिटी सदा के लिए दूर होती है और भोजन अच्छी तरह से पचता है। फ्रूट्स जैसे कि अनार, आंवला, मौसम्बी, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एलोवेरा जूस लेने से शरीर में अल्कलाइन pH की मात्रा बनी रहती है, एसिडिटी को कम करती है। टेंडर कोकोनट वाटर या पल्प लेने से गैस्ट्रिक इरिटेशन दूर होता है। डिनर 3 घंटा सोने से पहले करने से गैस्ट्रिक इरिटेशन दूर होता है, भोजन अच्छी तरह से पचता है। बाही करवट पर सोने से स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग पर एसिड का प्रभाव कम होता है और अल्सर से बचे रहते हैं, हार्टबर्न दूर होता है। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी इत्यादि से बचे रहे, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, परमात्मा का ध्यान धरे। धन्यवाद। आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए चलते हैं अब संत तिरुवल्लुवर जी की ओर, जिनकी एक बहुत ही सुंदर और महान कृति है थिरुकुरल, जिसमें उन्होंने जीवन दर्शन के बारे में बहुत गहराई से बताया है। मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय और आनंदमय हो सकता है, कैसे और किन किन बातों का नैतिक रूप से व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए,
आज के स्पिरिचुअल इंडिया में हम उनके ही इस महान कृति के कुछ सुंदर अंश और बातों को सुनते हैं। ओम शांति। थॉट्स फ्रॉम द तिरुकुरल। காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மானப்பெரிது. Timely help, however small it may be, is actually worth more than the world. This verse from Thirukkural emphasizes the need for gratitude, irrespective of the size of the help. We may be passing through the desert, we may be stranded, and there's no water anywhere, but a nomad passing by could give us a glass of water. It means nothing to us in normal life. But at that point of time, that glass of water is greater than the world for us. So gratitude is an art that we must cultivate in life. It is the sign of virtuous people, noble people. This is the difference between an ordinary person and a noble person. The more grateful we are, the more appreciative we will be of people, life, and situations. That's when our relationships will become more cordial, our life will become more contented, and we will become more happy. Let us inculcate this habit of being grateful. सचमुच विपदा की घड़ी में यदि कोई हमारे काम आता है, जब हम कष्ट में हैं, जब चारों ओर अंधेरा है, तब यदि कोई हमारे लिए खड़ा हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम आजीवन याद रखते हैं। क्यों ना हम भी एक ऐसे ही शख्स बने, एक ऐसे ही उपकारी बने जो हमेशा ही सबकी मदद के लिए तैयार रहे। संत तिरुवल्लुवर जी के इन सुंदर शिक्षा भरी बातों के साथ आइए अब जरा ये भी सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठे हुए दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे थे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि एक घूंसा मारूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा एक घूंसा मारूंगा तो 64 दांत तोड़ दूंगा। अब ये बात पास बैठे एक तीसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आई कि एक घूंसा मारने पर 64 दांत कैसे टूट सकते हैं। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा जिसने कहा था 64 दांत तोड़ दूंगा कि भाई तू घूंसा मार के 64 दांत कैसे तोड़ेगा। तो उस पहले व्यक्ति ने कहा कि मुझे मालूम था कि तू बीच में जरूर बोलेगा। कहने का मतलब यह है कि बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं कि जब दो व्यक्ति परस्पर बात कर रहे हों तो तीसरे ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार मित्रों। सबरंग में हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना, मन प्रसन्न हो जाता है और साथ ही हमारे पास सारे दिन कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते रहते हैं। लेकिन $1000 क्वेश्चन इज कि ये जीवन में कैसे आए। जीवन में आना ज़्यादा अहम है और इसके लिए ही तो हम सबको प्रयास करना चाहिए और यही प्रयास कर रहा है ब्रह्मा कुमारी संस्थान अलग अलग स्थानों पर सेवाएँ करते हुए। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार सेवाएं हो रही हैं। सड़क दुर्घटना और कोरोना से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज ने रोको टोको अभियान का आगाज किया है, जिसमें संस्था के सदस्यों ने चौराहे में स्लोगन बोर्ड के माध्यम से जागरूकता फैलाई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल समेत कई पुलिस अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां बताई। अब खबरें राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की।
हरियाणा के कादमा में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीप्टी सीएमओ आशीष मान, कुलवंत फोगाट, जिला अध्यक्ष राजेश कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव राम प्रकाश सांगवान और बीके वसुधा ने यूथ आइकन विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदान के पश्चात अतिथियों ने कोविड के दौरान ब्रह्म कुमारीज द्वारा की गई सामाजिक सेवाओं के लिए उनके मुक्त कंठ से सराहना की। तो वहीं बीके वसुधा ने स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा करते हुए कहा कि विवेकानंद आत्म विकास के बल से यूथ आइकन बन गए, ऐसे हमें भी अपनी आत्मिक विकास और चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, रेलवे स्टेशन पे एक भिक्षुक जिसका एक हाथ नहीं था, पैर नहीं था, भिक्षा मांग रहा था लेकिन बहुत प्रसन्न था। किसी ने पूछा, तुम्हारा एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भिक्षा भी मांग रहे हो, गरीब हो, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया जो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। उसने कहा, मैं ये नहीं देखता कि मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। और जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, एक बहुत ही तृप्ति और संतुष्टि भरा जीवन दिया है, तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सीख बहुत गहरी है मित्रों, कि अप्राप्त की चाहना में हम प्राप्त का सुख ना खो दें, जो हमें प्राप्त है उसका आनंद लें, उसमें संतुष्ट रहें, उसमें खुश रहें। तो ज़रूर इस पर चिंतन कीजिएगा और कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात के वायदे के साथ आप सबसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, ओम शांति।